हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जा रहा हूं टंगला, जो कि दरंग डिस्ट्रिक्ट में है, और वहां पर आज फ्राइडे मार्केट है। तो अभी तो फिलहाल मैं ये बस स्टैंड के पास बैठा हूं, और ये जिंटू भैया हमारे नमस्कार बोल दिया इन्होंने। यही मतलब ये जो अल्ट्रा बस है उनके ड्राइवर है और मेरे पहचान के ये अच्छे तरह से तो इन्हीं के साथ जा रहा हूँ मैं टोंगला, और इन्हीं के बस में वापस रिटर्न आ जाऊंगा। कितना टाइम लगेगा जिंटू भैया टोंगला यहाँ से? 10 बजे पहुंचेंगे हम लोग। 10 बजे पहुंचेंगे, 7:15 पे यहाँ पे यहाँ से निकलेगा बस। और जिंटू भैया का बस भी दिखाता हूँ जो चलाते हैं, ये देख सकते हो आप, दिखाता हूँ अभी। देखो हमारे यहाँ पर अल्ट्रा ही चलता है मैक्सिमम, और ये अंडर एसटीसी के अंदर ना, तो ये अंडर एसटीसी के अंदर चलता है। बाहर की तरह रोडवेज वगैरह नहीं है यहाँ, है ना, रोडवेज वगैरह नहीं है, मतलब वो वेतन सिस्टम में नहीं है, और डेली का मतलब दिहाड़ी सिस्टम में ही चलाना पड़ता है। फिलहाल तो जिंटू भैया स्टेयरिंग में बैठ चुके हैं, देख सकते हो आप, और मैं भी जा रहा हूँ पीछे, एक आधा सीट पकड़ता हूँ और बैठता हूँ। तो दोस्तों मैं फिलहाल टंगला पहुंच चुका हूँ, और ये मतलब पीछे ही मेरे यहाँ पीछे मीट मार्केट है। यहाँ पर ही सब फिश वगैरह और उसके बाद आपका पोर्क वगैरह सब मिलता है यहाँ पर। और अभी अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में ये टंगला अदलगरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये दरंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। वो मेरे शुरू में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि वो दरंग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मैंने यहाँ कन्फर्म किया कि ये अदलगरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ रहा है टंगला। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, अंदर जाके बात करते हैं कि क्या रेट है पोर्क का यहाँ पर, और क्या किस टाइप का पोर्क मिलता है। तो फिलहाल तो देख सकते हो आपकी व्यू इस प्रकार से है ये मीट मार्केट का। और शुरू में ये बॉयलर वगैरह देख सकते हो आप, यहाँ पर कटिंग चल रहा है, और इसके बाद यहाँ पर भी पूरा बॉयलर ही शॉप है स्टार्टिंग गेट में, देख सकते हो आप। तो ये इस साइड भी ये बॉयलर ही है, और वहाँ पर तो है गोट मटन मार्केट, और ये वाला है आपका ये पोर्क मार्केट है। ठीक है, फिर भी मैं वहाँ से घूम के आता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस मार्केट में। ये फिश निकल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो यहाँ तो बड़ा वाला झींगा है, झींगा मच्छी है दादा। ये तो कहने का के जी डांगर झींगा तू हाँ किलो खो 600 रुपये किलो। तो ये 600 रुपये किलो बताए ये दादा ने, भैया ने। और ये वाला 700 की मास को ही तो पाबो मास। तो ये पाबो मछली है, पेपर की तरह है, आप देख सकते हो। और ये 400 रुपये के जी है, 400 रुपये के जी बताया भैया ने। आगे दिखाता हूँ फिर। तो देखो इस मार्केट में ये सबसे बड़ा शीतल मछली किमान के जी रहो वो टू 8 केजी, तो 8 केजी साइज का है, देख सकते हो आप। और किमान टोका किलो सारिखो 800 रुपये केजी बताया इस भाई ने। ठीक है, थैंक यू। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा है, और इस साइड भी फिश है देख सकते हो आप। और इस साइड आपका ये पिगलेट मार्केट है, अंदर जाके किसी से एक आधा खाके रेट पूछता हूँ यहाँ का, क्या रेट चल रहा है पिगलेट का। ये देख सकते हो आप मार्केट, ये पिगलेट मार्केट इस प्रकार से यहाँ का। और देख सकते हो तो আপনি আনিছে নাকি গাউরি আনিছিলো দিলো সব কেটা আনিছিল চাইটা পাঁচটা আনিছিল সব বিক্রি হল বই কটা বিক্রি হল কি রেটত দিলা আপনি কিছুকাল দিলো 2200 2018 আপোনাক আকৌ 2500 লৈকে দিছো 2500 লাগি বজা তো ডাউন হলে দিয়া কে মাহৰ আছিল পোৱালি কেটা এনে এটা ডেৰ মাহ 15 দিন তো জেসে इन्होंने बोला 2200 2300 और 2500 तक दिया। इन्होंने 5 लेके आए थे पिगलेट, और साथ में मतलब 1.5 महीने का बच्चा है ना, और लोकल ब्रीड लोकल हाँ, तो लोकल ब्रीड है जो बोरोक्रॉस हाँ, तो बोरोक्रॉस ही लाए थे ये। इधर भी अंकल बैठे, इनसे पूछते अभी अपनी केटा आनी इसलिए पास्ता केटा से क्या जूता से किमान किमान दाम यार 1900 लगे बीस एटा उठाई से दिखा पारि भाई तू तो ये बोरोक्रॉस ना के माहर तो इन्होंने जैसे बोला कि 2 महीने 2 महीना होने के लिए 10 दिन कम 10 दिन कम बताया। और किमान और दिखाई तू किमान और बिक्री करी भाई 1700 में मिल जाएगा ये, देख सकते हो आप टंगला मार्केट में। और ठीक है, थैंक यू अंकल।
और ये अंकल भी लाए, देख सकते हो आप अपनी कैटान इसलिए अच्छा ये एक ही लाया लेकिन ये बिक्री नहीं कर पा रहे 1500 वाले तो ये 1500 में भी दे देंगे बोला अगर अभी कोई लेगा तो देख सकते हो आप। ठीक है थैंक यू अंकल, बिक्री हो जाएगा आपका शायद। हाँ तो इस साइड भी देख सकते हो आप। तो यहाँ से अभी इसके बाद मैं पोर्क मार्केट जाऊंगा डायरेक्ट। तो अभी मैं फिलहाल एंटर हो चुका हूँ पोर्क मार्केट, देख सकते हो आप। और ये तो इनके पास तो मेली है गुंडा से लेनो। और आपकी कीमत टोका के जी है? हाँ भाई के टोका के जी बिक्री यार 340। तो यहाँ पर 340 है, टांगला में थोड़ा सस्ता है बाकी हमारे सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, देख सकते हो। किमान के जी रानीसला गुंडा टू किमान के जी गुंडा असले आप? तो इनका 45 के जी बताया गुंडा था वो जो मेल है बोलते वही। ये तो की सुपारी कितने का किलो सुपारी? हाँ तो यहाँ पर सुपारी 200 रुपये के जी है, देख सकते हो आप। और अच्छा कंडीशन में ही है। हवा थैंक यू भाई। तो यहाँ पर तो ये आप देख सकते हो पचोनी बोल सकते हो पोर्क का यहाँ पर है। और थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ ये भी, बात करूँगा इनसे भी। और ये भी ये देखो पोर्क मार्केट यहाँ का। तो कितना लंबा है आपको दिखा रहा हूँ मैं, ख़त्म ही है तकरीबन, देख सकते हो आप यहाँ पर भी माल। और देख सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो ये भाई भी एक लेके आया है। और आपका कितना 50 केजी का था? तो 50 केजी का था मेल फीमेल फीमेल था इनका, देख सकते हो मीट का कंडीशन आप। और अच्छा ही है, फैटी वगैरह तो नहीं है। और कितना रुपए केजी है? 340 बताया। और वैसे कोई अगर कम करोगे तो कितना, 10-20 रुपए कम? अच्छा तो उन्होंने जैसे बताया कि 320-310 तक दे देंगे अगर कोई 2-3 केजी लेगा तो। ठीक है थैंक यू भाई जी, थैंक यू। हाँ 150। तो ये पचोनी यहाँ पर 150 रुपये के जी बताया और सस्ता है यहाँ। यहाँ सिर्फ ये है कि बॉयल करके नहीं दे रहे, ये कच्चा देंगे, बॉयल को नहीं दे ना, ऑकल का नहीं दे। तो ये सुपारी 200, सुपारी 200 बताया इन्होंने। और अपनी ओकल सुपारी काटे डेली सेल हो जाए अपना रो ओकल शुक्रवार है वो है। तो इन्होंने शुक्रवार को बताया, शुक्रवार को ही बैठते ये। ये तो देखो लोकल फोर के आप देख सकते हो। और ये भी सुपारी काट रहा है भाई सेल, देख सकते हो आप। तो देख सकते हो ये भाई भी एक काट रहा है यहाँ पर। और ये भी सुपारी काट रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ये उनके पास मीट है और मीट अच्छा ही है, पेटी भी कम है, देख सकते हो आप, देख सकते हो। किमान केजी रहा निचला भाई जी, किमान केजी माल रहा निचले? हाँ किमान केजी असले माल टू पोस्टपोन गुंडा गुंडा। तो हाँ तो वो भाई ने बोला है कि मेल था और 55 केजी का था। तो ये देख सकते हो आप, ये लाइसेंस है इसका ऑलरेडी, इसी से पता चल जाएगा आपको। ठीक है इन्हें का के 340 टका केजी नो। तो यहाँ पर हमारे सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से सस्ता है, 20-30 रुपए कम है। ठीक है थैंक यू भाई। तो यहाँ पर भी एक भाई काट रहा है देख सकते हो आप, और इन्होंने लिया बाबू किमान लोली तुम्हें किमान के जी लोला? हाँ 340 ना किमान के जी लोला तुम्हें? 200 टकर लो सर। तो इन्होंने 200 रुपए का लिया है। ठीक है तो देख सकते हो आप, और फेटी भी कम है इन मीट में, देख सकते हो आप अच्छी तरह से। तो ये अंकल से भी पूछेंगे, ये भी ले रहे हैं खुरा किमान के जी लोबा अपनी? 1 केजी लोबा। तो ये अंकल 1 केजी लेंगे बोला है। और गरम और 1 केजी खावा पारी आज अपनी? अच्छा गरम बेसी लगी। तो अंकल ने बोला गर्मी ज्यादा है फिर भी मतलब इसमें क्या चर्बी कम है
ना, चर्बी ज्यादा है लेकिन प्रोटीन कम है। चर्बी कम है, चर्बी ज्यादा है, हाँ प्रोटीन कम है। अच्छा अच्छा, प्रोटीन कम, हाँ विटामिन कम है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मतलब दूसरे के मांस में विटामिन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। हाँ हाँ ये तो सही है, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें मतलब प्रोटीन कम है, कम होता हाँ है। तो जैसे अंकल ने बताया कि ये देखो इसमें चर्बी ज्यादा है लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम होता है स्पोर्ट में हमेशा। और अगर जो पोर्क खाएगा, अगर वो कंटिन्यू एक्सरसाइज करेगा तो उसका कभी भी कोई असर नहीं होगा इस मीट को खाने से। खाने में टेस्टी है, हाँ, ये सही है। खाने में तो टेस्टी है पोर्क अंकल, बहुत टेस्टी है। ठीक है, थैंक यू अंकल। তুমি কিমান কেজি ৰাণিছিলা ভাইটি? তুমি কিমান কেজি ৰাণিছিলা আজি মাল? চল্লিশ কিলো। ঠিকে আৰু তোমাৰ ন, ইমানে আছে। এইটো কিমানমান কেজি বাকী আছে আৰু? ইয়ে পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল কেজি বচা হোৱা ইহঁতে ভাইনে যে বোলা আৰু ইয়ে লাই থে একচুৱেল মে পেঁতালিশ কিলো ন, হা তো পেঁতালিশ কিলো কা লেকে আয়ে থে আৰু 340 ৰূপে কিলো না, হা 340 বতায় ইহঁতে আৰু ইনকা ইয়ে বছ চিৰ্ফ 15 কেজি বচা হে। और मेरे हिसाब से एक घंटा खेकू जाओ सब एक, हाँ तो ये इनका जो 15 केजी है एक घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई जी। किमान केजी लोबा आपने, किमान केजी लोला, किमान केजी है? किमान केजी लोली? ओ आधा केजी। आधा केजी, तो इन्होंने आधा केजी लिया बोला। तो देखो ये भाई भी आधा केजी ले रहे सुपारी चखना के लिए। और आजकल सुपारी ये लोग ज्यादा खाते हैं गर्मी में। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आज आपको टंगला का मार्केट दिखाया जो अडालगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और किस टाइप का है ये मीट मार्केट, पोर्क मार्केट, पिगलेट मार्केट और सब कुछ दिखाया आज आपको। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ आज के लिए। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।